इस बच्चे को हमने बोला था कि घी ले आओ टिक्को पे लगाने के लिए, ये वाला आयल लाया हुआ है। हजरात कल सुबह फजर के बाद 6 जनाजे साथ आज आदमखोर बनने वाला सीन, कच्ची गोटियां खानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हो चुकी है हमारी सुबह, नाश्ता वाश्ता कर लिए, अब वेट हो रहा है बच्चा चाचा का, आए तो चले फिर शॉप पे। काफ़ी टाइम से खड़ा हूँ मैं लेकिन आए नहीं अभी तक, तो आते इंशाल्लाह फिर चलते हैं दुकान और अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं बुरे दिन का। हाँ तो भैया पहुँच चुके हैं हम लोग दुकान, चाचा तो खैर नहीं है, भाई के साथ आया हूँ मैं, काफ़ी वेट किया था भाई, कोई इशू हो रहा था पता नहीं क्या चक्कर था। ये वाली ग्रिलें बनानी है आज और फिट भी करनी है, तो ये बना ले थोड़ी सी ग्रिलें, इसमें काम बाकी है और इसके बाद चलते हैं इसको फिट करते हैं इंशाल्लाह। अखलाक भाई ग्रिले रेडी हो गए माशाल्लाह, ग्रिले रेडी हो गई, अभी जाएंगे फिट करने, लेकिन अभी फिट बाबा नहीं आया है। 50-50 लग रहा है बाबा का, आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो दूसरा चाल मार लेंगे। भैया ग्रिले तैयार हो गई माशाल्लाह, लेकिन जहाँ लगानी है वहाँ पे कोई लाइट वाइट का इशू है, जो मालिक बोल रहा है कि यार थोड़ा सा होल्ड कर लो कल पे, या देखता हूँ आज का प्रोग्राम। तभी खाने का टाइम हो गया, आज खाने में दाल नहीं है छोले, सॉरी छोला और आलू पालक। तो अभी हम खाना खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक दस्तरखान पे दो दो किस्म के खाने और नेमतें अता की हैं। हाँ तो भैया जिसका डर था वही हुआ, चाचा भी आए हुए थे जिनकी ग्रिलें थी, उन्होंने बोला यार कि हमारी तरफ भी लाइट का कोई मसला है तो आप कल सुबह आ जाइएगा, ग्रिल जो है वो कल सुबह फिट कर लीजिएगा। तो अभी चलते हैं घर और बाकी व्लॉग वही से फिर कंटिन्यू करते हैं। One eternity later. So hey guys, welcome back. Another day, another barbecue party. कल फैमिली के साथ था, आज यारों दोस्तों के साथ हैं। मेरे साथ वारो हैं, इरफान भाई हैं, लगे हुए हम लोग गोश्त साफ करने में, जो पहला मरहला होता है बारबेक्यू का। इसके बाद जाएंगे बाकी सामान खरीदेंगे, मैरिनेशंस वगैरह का जो भी है, और फिर दमादम मस्त कलंदर बारबेक्यू पार्टी। स्पीकर का इंतजाम है बड़ा है छोटा है? सही है। 5-6 लड़कों की पार्टी है, यार दोस्त जो है मखसूस उनके लिए वह छोटा ही इंतज़ाम है, कोई ज़्यादा कोई ख़ास वो नहीं है। तो अभी हम लोग गोश्त साफ करते हैं, वारो लगे हैं अकेले, इनके साथ अभी मैं भी करवाऊँगा, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भैया गोश्त कटिंग हो गई है, अब बाकी सामान जो ज़रूरी सामान है वो लेने जा रहे हैं, दही पपीता और मसाले टिक्के मसाले, तो चलते हैं अभी बाकी सामान लेने। हाँ किसको खुश किया काशी भाई ने? इरफान भाई कल हमारे बड़े खुद खुश नजर आए, में इनकी काशी भाई को बड़ा खुश किया उन्होंने, और हमने जावेद भाई को खुश करवा दिया, पूरा राउंड चलवाया बाइक के। कल हमने इरफान भाई को मौके वारदात पे पकड़ा और हमने पूरे अड्डे पे छोड़ा जावेद भाई के, अड्डे के बाद फिर काशिफ भाई के साथ गएंगे, उसके बाद का पता नहीं है। इन दोनों का बेस शुरू हो गया, काशिफ भाई बीच में फिर आ रहे, काशिफ भाई आज मैं मिलवाऊंगा, बुलवा लो ना काशिफ भाई को, लास्ट टाइम जावेद भाई के साथ गए उसके बाद से काशिफ भाई काशिफ भाई मुझे ये भी कहा कि आप अमान भाई के साथ कार में कहाँ जा रहे थे? इन दोनों का फिर चल रहा है भाई, इनका चलता रहेगा भाई, जाहिर सी बात है बंदा कार में कहीं काम के सिलसिले में निकला हुआ होता है। किलो दही तो दो यार, टिक्के मसाले की पैकेट तो दे दो यार, ले लो शुक्रिया। हाँ तो भैया आ चुके हैं हम लोग वापसी आपकी खिदमत में हाजिर, नेटी वगैरह सब कुछ ऊपर लिया है, बल्ब बल्ब की सेटिंग भी कर ली सारी, आग जलाने की देर है बस, माचिस का वेट हो रहा है, माचिस लिया तो इंशाल्लाह फिर आग जलाए, इसमें कोयलों को जलाए, उसके बाद फिर सीख टिक्के कबाब लगाए इसके ऊपर, और अपनी तफरी है। अभी स्पीकर का भी इंतजाम करते हैं यार, स्पीकर के बगैर टिक्का पार्टी अधूरी है, स्पीकर जरूरी है, देख रहा अभी वो लड़का गया और स्पीकर का इंतजाम करें, तब तक के लिए स्टे ट्यून। फ्यू मिनट्स लेटर। अबे वकार भाई आग कैसी लगाई जाती है? जैसे पुप्पो लगाती है। सही
उस्ताद आज आदमखोर बनने वाला सी कच्ची बोटियां खानी पड़ी। देख के भाई हाथ में गुज्जे में इस बच्चे को हमने बोला था कि घी ले आओ टिक्को पे लगाने के लिए, ये वाला आयल ले आओ कल सुबह 6 हजरात कल सुबह फजर के बाद 6 जनाजे ये आयल खाने के बाद 6 के 6 लुढ़क गए। उस्ताद थोड़ा लहसुन कम है जिंदगी के कम लगे में। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. अल्हम्दुलिल्लाह यार टिक्के बन गए, शहजाद भाई ने बनाया हमारे माशाल्लाह, बड़े बेहतरीन और बड़े ज़बरदस्त मेरीनेट जो है वारों ने किया हमारा। मनम भाई कैसे है टेस्ट? ज़बरदस्त। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी, अगर किए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।